हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे देश में हो रहे G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए। ये वो पल है जब पूरा देश गौरवान्वित फील कर रहा है। हर एक नागरिक अपने आप को ये समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस खुशी का, उस सफलता का हिस्सा है जो आज हमारा देश देख रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि आज दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में हैं और हमारा देश सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। ये समय है जब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश आगे तो बढ़ ही रहा है। इसी कड़ी में अगर हम अपने पर्सनल बात करें तो हम लोगों के लिए भी ये वो समय है जब हम अपने क्षेत्र में, जिसमें भी हमने अपने गोल सेट कर रखे हैं, उसमें सफलता के नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। अगर आज अभी हम थोड़ी सी बात करें परीक्षा के लिए ही, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो आने वाली एग्जाम है ये हम अच्छे से क्वालिफाई करें, तो उसके लिए हमें जी जान से जुटना होगा, पूरी मेहनत से जुटना होगा, पूरी तल्लीनता के साथ जुटना होगा। इससे रिजल्ट जो निकलेगा वो बहुत सुखदायी होगा, जैसा अभी हम लोग फील कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है G20 सम्मेलन की, तो सोच के देखिए जब आप सफल होंगे तो आपके माता पिता को क्या फील होगा, वो कितना गौरवान्वित फील करेंगे और आप अपने चारों ओर कितनी खुशियां उनके होंगे। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि पढ़ाई को जारी रखिए। यही वो काम है जो हम इस समय कर रहे हैं, तो इसको क्यों ना बहुत अच्छे से ही कर लिया जाए। बाकी जो भी समय हमें लाइफ में जो भी काम आते रहेंगे उनको हम उतनी अच्छे से करते रहेंगे, लेकिन कम से कम अभी के लिए हमारे पास जो काम है उसको हम पूरी मेहनत के साथ करें। हमने भी आपके प्रयास में थोड़ा सा प्रयास अपना शामिल किया है और आपको उन सब्जेक्ट्स की पूरी भरपूर कोशिश करके मदद करवा रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़े से टफ रहते हैं। जैसे कि डीआई को बहुत अच्छे से हम अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जिसमें 3 क्लासेज आपको डीआई की मिल चुकी हैं। मैथ्स के भी क्लास आपको मिल रहे हैं और इंग्लिश के भी मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज का जो क्लास है वो बहुत ही अच्छा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश वाले सेक्शन से 3 चीजें मेनली पूछी जा रही हैं। एक तो कम्प्रिहेंशन पैसेज आ रहा है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा बनता है एंटोनिम सिनोनिम और बनबस सब्स्टिट्यूशन। ये मुख्यतः यही चीजें आ रही हैं। अगर आप पिछली पेट एग्जाम देखेंगे तो वहां पर आपको कहीं ज्यादा भारी भरकम कोई ग्रामर देखने को नहीं मिलेगी। तो क्यों ना पहला प्रयास इसी में किया जाए जो कि आ रहा है। बाकी समय बचेगा तो हम लोग ग्रामर को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कड़ी में हमने आपको कम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे टैकल करना होता है, कैसे उसके हमें आंसर बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारी वीडियोज हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि लाइट चली गई थी, तो चलिए हम आपको बता रहे थे कि इंग्लिश के 2 क्लासेस पड़े हुए हैं जो कि पैसेज को लेके हमने बनाए थे, और ये तीसरा क्लास वो कैश पार्ट का है जिसमें आज हमने बनबस सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको देखिए, होप आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई फंस जाएगा, लेकिन फिर भी आगे आपको इसके और भी क्लासेस मिलेंगी। ओके, शुरू करता। पहला है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, मतलब जब किसी समुदाय में एक से ज्यादा पत्नी रखने की कोई प्रथा या ऐसी कोई कस्टम होती है तो इस रीत रिवाज को क्या कहते हैं, बाइगेमी, मोनोगेमी, पॉलीगेमी या मैट्रिमोनी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा शायद कि इसको कहते हैं पॉलीगेमी। एक से ज्यादा शादी करने का, जो अगर कोई पुरुष एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसे क्या बोला जाता है, पॉलीगेमी। बाइगेमी किसे कहते हैं, जब कोई पुरुष 2 शादियां करता है, इसको बाइगेमी भी बोलते हैं और इसको डाइगेमी भी बोलते हैं, ठीक है, बाइगेमी या डाइगेमी बोलते हैं। मोनोगेमी होता है एक शादी करने वाला, ठीक है, एक शादी जब कोई करता है तो उसको मोनोगेमी कहते हैं। और मैट्रिमोनी क्या होता है, मैट्रिमोनी होता है रिलेटेड टू मैरिज, हम कह सकते हैं कि इट्स अ सिनोनिम ऑफ मैरिज, ठीक है, तो उसे ही मैट्रिमोनी कहते हैं। आपने सुना होगी मैट्रिमोनी साइट्स होती हैं। एक चीज और यहां पर बताने लायक है कि जब कोई पुरुष यानी कि मेल जब एक से ज्यादा शादियां करता है तो उसको तो पॉलीगेमी बोलते हैं, लेकिन जब कोई महिला एक से ज्यादा शादियां करती है तो उसको बोला जाता है पॉलीयांड्री। यानी कि जब कोई महिला महिला एक से ज्यादा शादी करती है जब कोई महिला एक से ज्यादा शादी करती है तो उसको बोलते हैं पॉलीयांड्री। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे हुए हैं ये शब्द, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जब एक से ज्यादा कोई भी पुरुष शादियां करता है, मेनी वाइफ्स उसकी होती है, मतलब बहुत सारी पत्नियां होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगेमी बोलते हैं।
और ऐसी महिला जिसके एक से ज्यादा पति होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। बाइगेमी, डाइगेमी, दो शादी करने वाला, मोनोगेमी होता है एक शादी करने वाला, और मैट्रिमोनी होता है रिलेटेड टू मैरिज। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी महिला, एल्डरली का मतलब है जो एज अपनी शादी की एज से काफी ऊपर हो गई है और अभी तक कैसी है, अनमैरिड है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे स्पिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिस्टर बोलते हैं ऐसी महिला जिसने शादी नहीं की है और अपनी एज से भी ज्यादा हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिस्टर बोलते हैं। अगर कोई पुरुष ऐसा है उसने शादी नहीं की है तो उसे सेलिबेट बोलते हैं। अगर कोई पुरुष है जिसने शादी नहीं की है तो उसे क्या बोलते हैं, सेलिबेट बोलते हैं। बैचलर कुमारा होता है, ठीक है, अच्छा आ भी गया इसमें। बैचलर क्या होता है, कुमारा। एडल्ट आपको पता है एबव 18 ईयर के जो भी लड़के या लड़की होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। बैंडल एक अलग ही वर्ड यहां पर डाल दिया है, वैसे बैंडलाइज होता है, सैबोटेज लिख देते हैं, बैंडलाइज, बैंडलाइज, सैबोटेज, स्मैश, स्मैशिंग मींस, इन सभी का मतलब होता है तोड़फोड़ करना कहीं पर किसी जगह पर, जबकि उत्पात मचाना, उसको कहते हैं बैंडलाइज, सेबोटेज, स्मैशिंग, तो वही वर्ड यहां पर डाला गया है, ठीक है। बाकी ये तीनों वर्ड्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। स्पिनिस्टर ऐसी महिला होती है जो क्या होती है, एक एल्डरली अनमैरिड वुमेन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला है अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ऐसा ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आप जानते होंगे कि उसे मॉर्चरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चरी, शवगृह कहते हैं। लेकिन एक वर्ड और यहां पर होता है, उसे मॉर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्ग। और ये होता है वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसे मॉर्ग कहते हैं। और जहां पर बॉडीज आर केप्ट फॉर ऑटोप्सी, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए जहां पर बॉडी रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्चरी कहते हैं, पोस्ट मॉर्टम। और पोस्ट मॉर्टम का एक सिनोनिम और होता है, क्या होता है, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी होता है, ठीक है। पोस्ट मॉर्टम का एक और सिनोनिम होता है ऑटोप्सी, और इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्चरी में जहां बॉडी रखी जाती है किसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए। और मॉर कौन सी जगह होती है, जहां पर बॉडी रखी जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए रखी जाती है, उसको कहते हैं मॉर, ठीक है। जू आपको पता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहां पर जानवर रखे जाते हैं, एनिमल्स रखे जाते हैं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां पर मरीजों को रखा जाता है, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, सैनिटोरियम, जहां पर स्वास्थ्य लाभ होता है, सैनिटोरियम, सेनेटोरियम, जहां पर स्वास्थ्य लाभ होता है उसे सेनेटोरियम कहते हैं। एक और वर्ड यूज किया जाता है एसाइलम, एसाइलम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर, जैसे एक मेंटल एसाइलम ज्यादा प्रचलित वर्ड है, आप इससे रिलेट करके देखिए, मेंटल एसाइलम, मेंटल एसाइलम का मतलब होता है जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसे मेंटल एसाइलम कहते हैं। हॉस्पिटल एक नॉर्मल जगह होती है जहां पर सभी का किया जाता है, सेनेटोरियम होता है जहां पर कोई किस लिए जाता है, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है, मतलब एक काफी लंबी अगर किसी को समस्या है, स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई कहीं रहने जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेनेटोरियम। और असाइलम या मेंटल असाइलम क्या होता है, जहां पर पागल लोगों को रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट। अच्छा ये यहां पर क्या था, डेड बॉडीज, तो ये तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, मॉर्चरी। एवियरी और दिया यहां पर, आपको पता होगा एक एविएशन डिपार्टमेंट होता है या एविएशन मिनिस्ट्री होती है, उड्डयन, तो ये होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, किससे, रिलेटेड, रिलेटेड टू बर्ड्स, पक्षियों से रिलेटेड होता है तो उसे क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं। एक बर्ड और होता है एपियरी, एपियरी, और ये किससे होता है, ये रिलेटेड टू बीज, यानी मक्खी, मधुमक्खियों से रिलेटेड जो जगह होती है जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं, ठीक है। और जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एवियरी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है एन एसोसिएट इन ए ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में जो कोई सहयोगी होता है, एसोसिएट मींस आपका सहयोगी होता है या जो आपके साथ काम कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं, कलीग कहते हैं उसे, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ और मीनिंग्स दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। अच्छा यहां पर सिर्फ हमारा मोटो ये नहीं है कि आपको जस्ट ऑप्शन बता दें और आपको पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, हमारा मोटो है कि जितने भी ऑप्शन यहां पर है
उनको तो एक्सप्लेन करें ही, साथ में अगर उनके भी कोई सिनोनिम एंटोनिम इंपॉर्टेंट हैं तो उनको भी बता के चलें। इससे सिर्फ अगर हम आज 25 करेंगे, आज सपोज करो 25 वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो केवल 25 तैयार नहीं होंगे हमारे, कम से कम आप 100 एवर वर्ड्स आज तैयार हो जाएंगे, और वो वर्ड्स होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको देखते रहिए, आपको लगने लगेगा कि हाँ वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप प्रैक्टिस सेट में भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये वाले आपको लगेंगे, उसमें फंसेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंपेनियन होता है साथी, नॉर्मल कोई साथी, तो क्या उसे बोलते हैं? कंपेनियन बोलते हैं। एलाई होता है, आपको पता है अलायंस बन जाता है पार्टियों का, भाजपा का किसी के साथ, सपा का कांग्रेस के साथ, ऐसे जब पार्टियों में अलायंस होता है तो उस वहीं से ये वर्ड आया एलाई। एलाई माने साथी होता है, और अकॉम्प्लिस माने भी साथी होता है, लेकिन एक और वर्ड इसके साथ जुड़ा होता है अकॉम्प्लिस, इसको एड भी कहते हैं। और ये किस तरह का होता है? एक ऐसा साथी जो किसी का बुरे कामों में भी साथ देता है, बुरे कामों में भी साथ देता है, ऐसे को क्या कहते हैं? एकॉम्प्लिस एड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और एलाई भी उसको बोला जाता है। ठीक है, वैसे जो ये दोनों वर्ड हैं ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, एकॉम्प्लिस एड। ठीक है, और चलिए इसका तो आंसर हो गया कलीग, अगला देखते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को क्या समझता है? अपने घर की तरह मानता, अपने देश की तरह मानता। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, पूरे देश पूरी दुनिया को अपना ही घर समझता है या अपना ही देश समझता है, इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोस वर्ड लिया गया है यूनिवर्स से, और पोलिटन लिया गया है ये सिटीजन से। तो ऐसा सिटीजन जो पूरे ब्रह्मांड का है, पूरी दुनिया का है, यानी सब पूरी पूरी दुनिया को अपना घर समझने वाला क्या कहलाता है? कॉस्मोपोलिटन कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप याद रखिए इसको। नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रवादी, क्या होता है? राष्ट्रवादी होता है। और पैट्रियट देशभक्त होता है, पता ही होगा आपको क्या होता है ये, देशभक्त होता है। मेट्रोपॉलिटन महानगर से रिलेटेड होता है, ये कोई वैसा वर्ड नहीं है। मेट्रोपॉलिटन कैसा होता है? एक महानगर से रिलेटेड वर्ड है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है ये। अगला देखिए, अगला है अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, एक ऐसा रूलर जो बिना किसी सलाह के, मतलब कोई उसके अंडर में बहुत ज्यादा सलाहकार या मंत्री नहीं होते हैं, रूल करता है, तो आप भी जानते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? ऑटोक्रेट, यानी ऑटो माने स्वयं में पूरी सत्ता उसने रख रखी है, ऐसे इंसान को ऑटोक्रेट कहते हैं, इसको डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर या डेस्पोट कहते हैं, तानाशाह, इसको हम टायरेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, टायरेंट भी बोल सकते हैं। तो ऑटोक्रेट ऐसा जो पूरी सत्ता अपने में ही समाहित रखता है, वो किसी की नहीं सुनता है, जैसे लाइक हिटलर जो किसी की नहीं सुनते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? ऑटोक्रेट। ठीक है, डिक्टेटर या डेस्पोट बोलते हैं इनको। अगला देखिए, इसमें डेमोक्रेट कंट्री कैसी होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहां पर उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र को डेमोक्रेट कहते हैं, जो इंडिया और अमेरिका में पाया जाता है सबसे प्रमुख रूप से। और फेनेटिक होता है, फेनेटिक या बिगोट, फेनेटिक या बिगोट होता है धर्मांध, ऐसा धर्मांध, अपने धर्म को लेके बिल्कुल अंधा हो चुका है, जो उसको क्या बोलते हैं? फेनेटिक बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट कौन से होते हैं? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर जो सत्ता होती है वो सिविल सर्वेंट के हाथ में होती है, ऐसी सत्ता को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेट, या ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जब सिविल सर्वेंटों के हाथ में सत्ता होती है तो उसे ब्यूरो। ठीक है, अगला आ गया, इसमें चारों हो गए हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी क्रेसी होती है, जीरेंटो क्रेसी, बूढ़ों की सरकार होती है, और ब्यूरोक्रेसी इसमें आ ही गया, ऑटोक्रेसी हो ही गया है, फेनेटिक, बाकी जितनी भी क्रेसीज हैं वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें सभी वन लाइनर में लिखाएंगे आपको। ये तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा रहे हैं, अगर इसमें उनकी हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो फिर टाइम हमें आगे वाले क्वेश्चन के लिए कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इसका एक हम ऐसा वीडियो भी बनाएंगे जिसमें वन लाइनर में बहुत सारे होंगे, इंपॉर्टेंट जितने होंगे वो एक ही वीडियो में पूरे देंगे, तो वहां पर हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसों को किस पे खर्च करता है? लग्जरी लाइफ पे या लग्जरी उस पे खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, खर्चीला। क्या कहते हैं उसे? एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं और लैविश भी कहते हैं, लैविश, खर्चीला। ठीक है, और यहां पर और भी वर्ड दिए गए, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर वर्ड का मतलब होता है
एक्सटेम्पोर वर्ड का मतलब होता है जब आपसे कह दिया जाए कि आप चलिए कुछ बोलिए, आपको आपके क्लास में खड़ा किया जाए और कह दिया जाए आप भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कुछ बताइए, तो इस तरह की जब अचानक कोई स्पीच देने के लिए कह दिया जाता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो इस तरह के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक्सटेम्पोर, जिसे आप रैंडम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रैंडम। ठीक है, रैंडम। निम्फ होता है ये एक, आप कह सकते हैं एक ऐसी गॉडेस या काल्पनिक सुंदर अप्सरा टाइप की जिसे बोलते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज में अगर हम देखें अप्सरा तो उसे क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। आप कह सकते हैं अप्सरा, निम्फ बोला जाता है। ये फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं उनकी देवी होती है, निम्फ उनको बोलते हैं वहां पर। सर्ज होता है स्पाइक, स्पाइक मीन्स तेजी आना, सर्ज स्पाइक, किसी चीज के भाव बढ़ना, किसी चीज में तेजी आना, उसे क्या बोलते हैं? स्पाइक, तेजी आना, सर्ज, तेजी आना। ठीक है, तो सभी वर्ड्स हो गए इसमें। लग्जरी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं और इसे लैविश भी बोलते हैं। और कंजूस को क्या कहते हैं? आपको पता होगा माइजर तो होता ही है, इसको पेनी पिंचर भी बोलते हैं, पेनी पिंचर, पेनी पिंचर और माइजर, और इसको बोलते हैं, हाँ इसका एक और सिनोनिम लिख दीजिए, प्रोडिगल, प्रोडिगल माने खर्चीला होता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, तो ये वर्ड हो जाते हैं कंजूस के, जो कम खर्चा करता है उसके लिए हो जाते हैं, और जो ज्यादा खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, प्रोडिगल चाइल्ड। किसी का बच्चा बहुत खर्चीला होता है, वो कहता है हमारा चाइल्ड तो प्रोडिगल चाइल्ड है। ठीक है, वो चाइल्ड प्रोडिजी अलग होती है, ये प्रोडिगल चाइल्ड होता है। ठीक है, खर्चीला। तो यहां पर कुछ कुछ हम देखे चल रहे हैं सिनोनिम्स, बट इसके जब पूरे सिनोनिम्स की बात आएगी तो उसके लिए सिनोनिम का एक अलग से चैप्टर या वीडियो कराया जाएगा, उसमें पूरे पूरे सिनोनिम्स आपको देंगे। अगर यहां इसका डिस्कशन करने लगेंगे तब फिर जो हमारा पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगर नजर से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो अपने सिनोनिम एंटोनिम पार्ट में तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। तो यहां पर जरूरी होता है जो वर्ड्स दिए हैं वैसे ही एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर कॉज, जो किसी कारण के लिए अपने जीवन को निछावर करता है, और ऐसे को क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं, नो डाउट मार्टायर कहते हैं। पैट्रियट होता है देशभक्त होता है, सोल्जर सैनिक होता है, और रिवोल्यूशनरी होता है कोई क्रांति लाने वाला, उसे रिवोल्यूशनरी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको हम क्या कहते हैं? नो डाउट पॉलीग्लॉट कहते हैं। एक होता है लिंग्विस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन होता है? जो भाषा विशेषज्ञ होता है, जो भाषा के बारे में रिसर्च करता है, लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, फॉर्म, उस पर रिसर्च करने वाला, और एक लैंग्वेज पे नहीं सभी लैंग्वेज पे, फॉरेन लैंग्वेज पे भी जो रिसर्च करता है उसे हम भाषावादी बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। लेकिन पॉलीग्लॉट का मतलब है जो क्या जानता है? लिखना जानता है, बोलना जानता है और पढ़ना जानता है। किसको? बहुत सारी भाषाओं को, मेनी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं को लिखना पढ़ना बोलना जो जानता है उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। और बहुत सारी भाषाओं की जो अध्ययन करता है, अध्ययन बोलने वाला नहीं, उनकी प्रकृति का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे पॉपुलर आपको पता है जो फेमस होता है, पेनेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेनेशिया होता है रामबाण। अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, पेनेशिया अ मेडिसिन विच इज क्योर फॉर ऑल, जो सभी चीजों में यूज होती है, सभी का क्योर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पेनेशिया कहते हैं, रामबाण कहते हैं। पॉलीगेमी आ चुका है, बहुत सारी शादी करने वाला, पीछे पहले वर्ड था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है द वायलेशन ऑफ प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड थिंग्स, मतलब एक ऐसा वॉयलेशन मतलब होता है, आपको पता है तोड़ना, किसी चीज को वॉयलेट करना, नियमों का उल्लंघन करना, क्या करना? प्रोफेनिंग, प्रोफेन मींस होता है धर्म की चीजों को, जो धार्मिक चीजों को कैसा करता है? अपवित्र करता है, सेक्रेट थिंग्स, धार्मिक चीजों को। ठीक है, तो धार्मिकता को अपवित्र करने वाला क्या कहलाता है? उसको कहते हैं सैक्रिलेज, सैक्रिलेज माने होता है जो धार्मिकता को अपवित्र करता है। ठीक है, यहां पर सोलेम मीन्स होता है गंभीर, ठीक है,
और साइनिक्योर होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मींस कोई ऐसी चीज जो इसमें केंद्र बिंदु बनी हुई है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की, उसे हम क्या बोलते हैं, सेनिक्योर बोलते हैं। पॉस्थ्यूमस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉस्थ्यूमस। पॉस्थ्यूमस होता है जो, अब पॉस्थ्यूमस चाइल्ड की अगर हम बात करें, दो सेंस में इसको हम बता रहे हैं आपको, अगर पॉस्थ्यूमस चाइल्ड की बात करें तो ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड बोलते हैं। और अगर हम वर्क की बात करें, यानी कि कोई पोएम पोएट्री या कोई स्टोरी है, कोई नॉवेल है, जब वो प्रकाशित होता है और उसका राइटर नहीं होता है, मतलब उसका राइटर जिंदा नहीं होता है उस टाइम पर, तो ऐसी रचना को क्या कहते हैं, पॉस्थ्यूमस कहते हैं। मतलब उसके लेखक के मरने के बाद जो आती है मार्केट में उसको पॉस्थ्यूमस बोलते हैं। और एक बच्चा जिसका पिता नहीं रहा है जब वो पैदा होता है तो कैसा चाइल्ड बोला जाता है, पॉस्थ्यूमस चाइल्ड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। बाकी सैक्रिलेज तो आपको पता ही हो गया होगा कि धर्म निंदा, ईश निंदा, पवित्र चीजों की निंदा को क्या कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं। ठीक है, इसका एक वर्ड यहां पर प्रोफेनी हो गया, एक होता है ब्लैशफेमी, और होता है ब्लैशफेमी। ब्लैशफेमी माने भी होता है ईश निंदा और धार्मिक चीजों का अपमान करना। अगला देखिए, अगला है मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा का मर्डर करना क्या कहलाता है। तो राजा मतलब रिजिसाइड, राजा का मर्डर रिजिसाइड। होमिसाइड होता है मानव हत्या, होमिसाइड क्या होता है, मानव हत्या। मैट्रिसाइड होता है मां की हत्या, पैट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, फ्रेट्रिसाइड होता है, फ्रेट्रिसाइड होता है भाई की हत्या, उक्सोरीसाइड होता है पत्नी की हत्या, सोरोरीसाइड होता है सोरोरीसाइड होता है बहन की हत्या, रिजिसाइड हो गया जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड होता है पूरे नस्ल की हत्या, पूरे नस्ल की हत्या, और इन्फेंटीसाइड होता है इन्फेंटीसाइड होता है नवजात की हत्या, किसकी हत्या, नवजात की हत्या। फोएटीसाइड होता है, फोएटीसाइड होता है भ्रूण की हत्या, भ्रूण की हत्या। और कोई बचा है, मैट्रिसाइड हो गया, होमिसाइड, पेटिसाइड, रिजिसाइड, ठीक है लगभग हो गए हैं, बचे भी होंगे तो कभी ना कभी वो कराई दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या, उक्सोरीसाइड पत्नी की हत्या, सोरोरीसाइड बहन की हत्या, जीनोसाइड नस्ल की हत्या, किसी की पूरी समूह नाश कर दो नस्ल की हत्या, जीनोसाइड। और इन्फेंटीसाइड, इन्फेंट होता है छोटा नवजात, तो इन्फेंटीसाइड नवजात की हत्या, फोएटीसाइड भ्रूण की हत्या। ठीक है, तो इस तरह की कुछ हत्याएं हैं, और इनका मतलब हत्यारा भी होता है, हत्याएं तो हैं, हत्यारा भी इनका मतलब होता है, रिजिसाइड राजा की हत्या। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं उसे पोस्टमार्टम कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है और उसे क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी माने भी पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम, ठीक है, और इसे ऑटोप्सी भी कहते हैं। अगेन मोर्ग आ गया है, तो काय के लिए बॉडी रखी जाती है, जहां पर बॉडी पहचान के लिए रखी जाती है, डेड बॉडीज, क्या, डेड बॉडीज पहचान के लिए रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मॉर्ग कहते हैं। और क्रिमेशन होता है दाह संस्कार, क्या होता है, दाह संस्कार, आधा सार, दाह संस्कार। एंटी ये एएम है जो आपका टाइम को बताता है, ठीक है, एंटी और पोस्टमार्टम ये क्या होते हैं, टाइम को बताते हैं, एएम पीएम जो आप बोलते हो। तो बाकी हो गया डेड बॉडीज का एग्जामिनेशन क्या कहलाता है, ऑटोप्सी। हाँ, और अगर किसी जीवित व्यक्ति के किसी अंग पार्ट या किसी भी चीज को जांचा जाता है, एग्जामिनेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बायोप्सी, किसका, जीवित का परीक्षण, जीवित का परीक्षण करना, किसी भाग का, किसी अंग का परीक्षण करना कि उसमें कुछ डेवलप तो नहीं हो रहा, कैंसर जैसी कोई बीमारी, तो उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
अगला है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये हमने पहले भी बताया था जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे, एपियरी नहीं बोलेंगे, एविएशन डिपार्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि उसे क्या बोलेंगे, एपियरी, क्योंकि चिड़िया भी आसमान में क्या करती है, उड़ती है। एपियरी क्या हो जाएगा, जहां पर किसे रखा जाता है, बीज को रखा जाता है। नर्सरी आपको पता है, नर्सरी पौधों की नर्सरी होती है और बच्चों के स्कूलों को नर्सरी। एक्सटेम्पोर हमने बताया था रैंडम होता है, क्या होता है रैंडम, मतलब आपको त्वरित कोई काम करने के लिए बोला जाए तो उसे एक्सटेम्पर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है ऑफ अननोन ऑथरशिप, एक ऐसी ऑथरशिप जिसके बारे में पता नहीं है कि इस रचना को किसने लिखा है, इस तरह की ऑथरशिप को क्या कहते हैं, इस तरह की कहते हैं एनोनिमस, क्या बोलते हैं एनोनिमस, एनोनिमस रचना होती है। आपको पता होगा कभी हम बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं और उसके नीचे लिखा होता है एनोनिमस, मतलब हमें पता नहीं है कि किसने लिखी है, उसको जब प्रकाशित कर दिया जाता है तो कोई राइटर उस पर क्लेम नहीं करता, उसके नीचे लिख भी दिया जाता है एनोनिमस, एक ऐसी रचना जिसका राइटर हमें पता नहीं है बट अच्छी है, ठीक है, तो उसे एनोनिमस बोलते हैं। एम्बिगुअस क्या होता है, देखो यूनोनिमस पहले सर, यूनानिमस होता है एक मत से, किससे होता है एक मत से। अभी G20 का सम्मेलन हो रहा है और वहां पर अफ्रीकन कंट्रीज को स्थायी सदस्यता दी गई है, ठीक है, तो ये डिसीजन कैसा था, यूनानिमस डिसीजन था, एक मत से लिया गया डिसीजन था, उसे बोलते हैं यूनानिमस। एम्बिगुअस होता है डबल मीन, जहां पर डबल अर्थ होता है एम्बिगुअस कहते हैं उसे, ठीक है। एक एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन भी होता है, सॉरी हाँ एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन, एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन, और ये कौन थे, महात्मा गांधी, जो दोनों हाथों से काम कर लेता है, दोनों हाथों से लिख ले या कुछ काम कर ले एक साथ में, उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन। एक होती है एम्बिवेलेंट फीलिंग, एम्बिवेलेंट फीलिंग, कैसी फीलिंग, जब किसी के दिलो दिमाग में दो तरह की भावनाएं आती है उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट फीलिंग। और एम्बिगुअस होता है वर्ड्स, कैसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो दो अर्थी होते हैं, कैसे होते हैं, डबल अर्थ देते हैं, उनको एम्बिगुअस वर्ड बोलते हैं। अब सबको फिर से समझ लीजिए, ऐसी रचना जिसका ऑथर क्लियर नहीं है उसको एनोनिमस बोलते हैं, ऐसा वर्ड जो दो अर्थी होता है उसको एम्बिगुअस वर्ड्स बोलते हैं, दो अर्थी, एम्बी वर्ड लगता ही है दो के लिए, और एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन होता है जो दोनों हाथों से काम कर लेता है, ऐसे दक्ष इंसान को क्या बोलते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। और एम्बिवेलेंट फीलिंग होती है जब दो तरह की दिमाग में भावनाएं चल रही होती है कि हम ऐसा करें कि ना करें, करें कि ना करें, तो उस तरह की भावना को क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट फीलिंग कहते हैं, ठीक है। यूनानिमस डिसीजन होता है एक मत से लिया गया डिसीजन, एक्सटेम्पोर बार बार आ रहा है, रैंडम होता है इसका मतलब। अगला देखिए, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जहां पर या तो मछलियों को रखा जाता है या पानी वाले पौधों को रखा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे, ऐसी जो पॉट होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं, और ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। तो एक्वेरियम जहां कहीं भी दिया हो उसका मतलब होता है जहां पर फिशेज या वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। चलिए और देखिए, नर्सरी वही हो गया, एपेरी एवेरी बार बार आ रहे हैं, एवेरी होता है पक्षी से संबंधित और एपेरी होता है मक्खी से संबंधित, कौन वाली, मधुमक्खी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन की एक ऑफिशियल नंबरिंग की जाती है, यानी पॉपुलेशन को गिना जाता है, ऑफिशियली नंबरिंग का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को गिना जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंसस, क्या होती है, जनगणना, उसे बोलते हैं सेंसस, जनगणना, ठीक है। बाकी सेंसर होता है टू कट या टू सेंसरशिप, आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा, तो ऐसा बोर्ड जब वो फिल्म को रिलीज होने से पहले देखता है तो उसमें जो भी आपत्तिजनक चीजें होती हैं उसको वो कट कर देता है, सेंसर लगाने की पावर होती है, उसको कट करने की पावर होती है, हटाने की पावर होती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, सेंसर बोलते हैं, ठीक है। अगला है काउंटिंग, आपको पता ही है, और डेमोग्राफी क्या होता है, ये जनसंख्या का काउंटिंग वाला अध्ययन नहीं होता है, एक्चुअली जनसंख्या किस तरह से किसी क्षेत्र विशेष में रहती है उस पूरी बात, जैसे जनसंख्या, उसका जनसंख्या घनत्व, उसका वहां पर जो भौतिक क्षेत्रफल है,
हर चीज की जब गणना की जाती है तो उस प्रोसेस को या उस चीज को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के कारणों का सपोर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, यानी महिला विचारों का समर्थक जिसे बोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। कलीग आपको पता है, जो आपके साथ में काम करता है, साथ में काम करने वाला होता है, साथ में काम करने वाला होता है। और एक्सटेम्पोर बार बार आ रहा है ये वर्ड, वुमेनिश होता है जो है जिसका नेचर होता है, जिसका नेचर होता है कैसा, नेचर वुमेन वाला, वुमेन वाला जिसका नेचर होता है उसे क्या कहते हैं, वुमेनिश कहते हैं। कहते हैं आप तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो इस तरह की बात अगर किसी के अंदर है कि वो बहुत बात बात पे रोने लगता है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, लड़कियां ब्रेव होती हैं, तो अगर कोई ऐसा कहता है ये सिर्फ अपने पुराने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है तो उसकी वजह से वो कह रहा है, ठीक है। लेकिन कहते हैं लोग कि तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो मतलब होता है उसके अंदर लड़कियों वाले जो गुण है, तो उसे वुमेनिश कहते हैं, ठीक है, नेचर उसका। आगे देखते हैं, ये फेमिनिस्ट हो गया, आगे देखते हैं। अ नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और अ फॉल्स नेम, ठीक है, एक ऐसा नाम जो किसी राइटर द्वारा अज्यूम किया जाता है, या और जाहिर सी बात है अज्यूम किया जाता है तो उसका खुद का नहीं होता है, और वो चाहता नहीं है कि हम कोई बुक अगर पब्लिश करवा रहे हैं तो वो हमारे नाम से जाए। स्पेशली अगर हम शुरुआत की बात करें तो बहुत सारे राइटर होते हैं अपने नाम को अपने वर्क के साथ नहीं लगाते हैं, वो कोई सुडोनिम कोई नई नाम रख लेते हैं, जिससे कि अगर वो फेमस होते हैं तो अपना नाम बाद में लाते हैं, नहीं होते हैं तब तो वो अज्ञात चली रही किसी और के नाम से। तो इस तरह के काम होते रहते हैं, शायद आपको पता भी होगा। तो इस तरह का जो एज्यूम नाम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिडोनिम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडोनिम माने क्या होता है कि फॉल्स नाम होता है, ठीक है। एक होता है इंपोस्टर वर्ड, इंपोस्टर होता है मुन्ना भाई वाला कॉन्सेप्ट, मतलब किसी की जगह जब कोई बन के जाता है तो वो इंपोस्टर कहलाता है, ठीक है। पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है, पोर्टेबल होता है दैट इज ले जाने, जैसे ये टीवी पोर्टेबल है, आप यहां से उठा के किसी भी जगह पर रख सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं, यानी ले जाने लायक, ले जाने लायक, पोर्टेबल। और एक होता है पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, ऐसा पानी जो पीने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर जो पीने योग्य पानी होता है, और पोर्टेबल टीवी या पोर्टेबल कोई आर्टिकल है जो ले जाने योग्य है उसे पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे एक ईटेबल है अगर कोई चीज, या एडिबल है वो खाने योग्य होती है, लाई माने झूठ होता है, बाकी एनोनिमस, एनोनिमस फिर से वही वर्ड आ गया, जब राइटर क्या होता है क्लियर नहीं होता है कि ये रचना किसने लिखी है तो उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं। आगे देखिए अगला है, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, जिसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, गंजा, यानी कि बाल्ड, बिल्कुल भी बाल नहीं है उसके सर पे उसे हम बाल्ड बोलते हैं। नेक्ड मींस होता है नॉट हैविंग क्लॉथ, जो कपड़े नहीं पहने हैं। गाउडी होता है भड़कीले, कपड़े तो पहने हैं लेकिन कैसे पहने हैं, भड़कीले कपड़े पहने हैं। और वेटरन मींस होता है एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, वेटरन मींस क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, उसे बोलते हैं वेटरन, ठीक है। इसको वेलवर्स्ड भी बोला जाता है वेटरन को, जिसको बहुत सारा अनुभव होता है अपने जीवन का। तो अनुभव होने का मतलब ये कतई नहीं कि वो गंजा हो जाएगा, इस वर्ड यहां पर लगाने का मतलब है कि शायद कोई समझे कि वेटरन, तो वेटरन मींस होता है अनुभवी व्यक्ति, ओके। नेक्ड गाउडी, बाल्ड हो जाएगा जिसको कंप्लीट हेयर लॉस हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, किलिंग वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना, अभी पीछे हमने लिखाया था भाई को मारना क्या कहलाता है, फ्रेट्रीसाइड कहलाता है, भाई को मारना फ्रेट्रीसाइड, ये होता है भाई को मारना, भाई की हत्या, पैट्रीसाइड होता है पिता की हत्या, मैट्रीसाइड होता है मां की हत्या, सुसाइड होता है स्वयं की हत्या, स्वयं की हत्या को सुसाइड बोलते हैं, ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तो ये कुछ है हत्याएं, आगे देखते हैं। A group of three person sharing power, तीन लोगों का ऐसा समूह जो पावर को शेयर करता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रायम्विरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रायम्विरेट बोलते हैं। अगर तीन लोग ऐसे हैं, तीन कंट्री ऐसे हैं जो पावर को शो करते हैं, आधिपत्य को शो करते हैं, तो उसे ट्रायम्विरेट बोलते हैं।
किसी पार्टी में तीन ऐसे लोग हैं जिनके दम पे वो पार्टी चल रही है, जिनका डिसीजन माना जाता है, उनको ट्रायम्विराट बोलते हैं। बॉलीवुड में अगर ऐसे लोग तीन लोग हैं जिनका जिनकी मूवीज देखी देखी जाती है तो उन्हें ट्रायम्विराट बोलेंगे कहीं पर भी, ठीक है। ट्राइपॉड होता है एक ऐसे इस तरह का होता है जिस पर आप कैमरा वगैरह रख के शूटिंग करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड बोलते हैं। ये ट्रियोलॉजी होती है जब कोई मूवी वगैरह बनती है और वो तीन पार्ट में बननी होती है, जब कोई मूवीज वगैरह है, कोई नॉवेल वगैरह है लिखा जाना है और उसके क्लियर है कि तीन पार्ट ही बनेंगे, पहले से भी बता दिया जाता है कि इसके तीन ही पार्ट बनेंगे, इसके दो ही पार्ट बनेंगे, तो इस तरह के तीन पार्ट वाली किसी भी चीज को, चाहे मूवी हो चाहे नॉवेल हो या कोई कुछ भी हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रियोलॉजी बोलते हैं। और टेट्रा माने चार होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, मतलब शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है सब कुछ खाता है, और ऐसा केवल इंसान करते हैं हमारे हिसाब से, तो और सभी जानवर तो काफी अपने नियमों के पक्के होते हैं, बस इंसान ही है जो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ना। चलिए तो ऐसे को कहते हैं ओमनीवोरस। देखिए ओमनीवर्ड जहां पर लग जाता है तो वो सर्व के संबंध में आता है, अगर ओमनीवोरस है तो वो सब कुछ खाता होगा, ओमनी प्रेजेंट है तो वो हर जगह उपस्थित होता होगा, ओमनी साइंट है तो वो सब कुछ जानता होगा, ओमनी पोटेंट है तो वो सब सर्वशक्तिशाली होगा, और ये ज्यादातर वर्ड इसको छोड़ के सभी किसके लिए यूज होते हैं, भगवान के लिए यूज होते हैं। यहां पर कोई दिया गया ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली, और कौन होता है, गॉड। एक होता है ओमनी साइंट, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञाता, क्या कहते हैं इसे, सर्वज्ञाता कहते हैं। एक होता है ओमनी प्रेजेंट, या नहीं दिया गया, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित होता है, वो भी गॉडी है, हर जगह उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, सर्वव्यापी होता है, शायद उसकी हिंदी क्या होती है, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी बोलते हैं, ठीक है। ओमनी साइंट हो गया, ओमनी पोटेंट हो गया, अब देखते हैं ये इसका तो मतलब हो गया, जो सब कुछ खाता है उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। एक होता है हर्बीवोरस, क्या होता है, हर्बीवोरस, एक होता है हर्बीवोरस जो क्या खाता है, हर्बीवोरस का मतलब घास नहीं खाता है, जो शाकाहारी है या शाकाहारी चीजों पे जो डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। एक होता है कार्निवोरस, क्या होता है, कार्निवोरस, जो क्या खाता है, मांस खाता है, या मांसाहारी लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं शाकाहारी, शाकाहारी हर्बीवोरस। और एक होता है कैनिवल, कैनिवल होता है नरभक्षी, जो मनुष्य को ही खा जाता है, नरभक्षी जो मनुष्य को ही खा जाता है उसको कैनिवल बोलते हैं। कार्निवोरस होता है जो मांसाहारी होता है, हर्बीवोरस होता है जो शाकाहारी होता है, ठीक है, और ओमनीवोरस होता है जो सब कुछ होता है यानी सर्वाहारी होता है। ये क्या होता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी होता है, ठीक है। देखिए इररेसिस्टिबल होता है जिसे रोका नहीं जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, रोका ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके उसके लिए क्या कहते हैं, इररेसिस्टिबल कहते हैं। रेसिस्ट माने होता है विरोध करना, और इररेसिस्टिबल, इर वर्ड लग गया है मतलब आप उसका विरोध नहीं कर सकते, इर नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, इररेसिस्टिबल कहते हैं। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होता है, इसको लिख देते हैं बैंकरप्ट, बहुत अच्छा वर्ड है ये बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होता है दिवालिया, यानी जिसने लोन लिया है विजय माल्या की तरह और वो चुका नहीं पाता है बैंक का लोन, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, बताया था ना क्योर, जो सब चीज सब डिजीजेस को क्योर करती है, ऐसी दवा को क्या कहते हैं, ऐसी दवा को कहते हैं पनेशिया, क्या कहते हैं, पनेशिया, रामबाण इलाज होती है, ठीक है। तो बाकी देख लीजिए, एडिबल या ईटेबल, या ईटेबल होता है खाने योग्य, कैसी चीज हो जो खाने के योग्य हो उसे एडिबल कहते हैं, उसे एडिबल कहते हैं। पैनेशिया रामबाण होगी, पैनेशिया क्या हो गई, रामबाण। मार्वल मींस होता है शानदार अपने क्षेत्र में, और जो उत्कृष्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्वल बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इलाज होता है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू,
जिसके सीन थ्रू का मतलब होता है जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, इनकैपेबल लिखा है ना, इनकैपेबल मतलब इनकैपेबल हो क्या करने के लिए, सीन थ्रू, उसके आर पार देखने के लिए। जब किसी चीज के आर पार नहीं देखा जा सकता है तो उसे क्या बोलते हैं, बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हमें नहीं पता इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हमने इसमें लगा रखे हैं, ओपेक बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। फिर देखिए ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। और इसके अलावा इनविजिबल होता है अदृश्य, इसका मतलब होता है ना तो पारदर्शी ना अर्ध पारदर्शी, वो बिल्कुल दिखते ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, इनविजिबल बोलते हैं। ऑब्सोलेट होता है, ऑब्सोलेट होता है जो कैसा हो गया है, आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलेट है मतलब आउटडेटेड है, पुराना पड़ गया है, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट बोलते हैं, ठीक है, हम ऑब्स्टिनेट हमें याद आ रहा था जिद्दी के लिए, ठीक है, ऑब्सोलेट क्या होता है, आउटडेटेड, पुराना पड़ जाना, ठीक है, नॉट इन यूज। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और क्या हो गया, ओपेक, ओपेक हो गया अपारदर्शी, ठीक है। चलिए ट्रांसल्यूसेंट होता है अर्ध पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, अर्ध पारदर्शी, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। चलिए अगला देखिए, अगला है वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी किसी चीज से खुश नहीं होता है। जब कोई अपनी ससुराल जाता है तो शायद दामादी ऐसा होता है जिसको आप अगर पानी दो जाके तो पानी का कोल्ड ड्रिंक दो जाके तो वो चाय के लिए डिमांड करेगा, चाय दो जाके तो वो कॉफी के लिए करेगा, तो आप उसको खुश नहीं कर सकते, उसके अलग ही नखरे होते हैं, अलग ही लेवल पे होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फास्टिडियस, फिनिकी, फिनिकी, चूजी, सिलेक्टिव, नकचढ़ा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, फास्टिडियस, फिनिकी, चूजी, सिलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। बाकी पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी होता है जो कैसा देखता है, निगेटिव साइड ऑफ अ थिंग, मतलब सब चीजों के, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के नकारात्मक चीज देखता है। इसका अपोजिट हम आपको लिखे दे रहे हैं और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, और वो क्या हो जाता है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, और इसे क्या बोलते हैं, आशावादी, इसे बोलते हैं आशावादी, जो ब्राइट साइड को देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला है मैडन, मैडन वर्ड समझ लीजिए, मैडन देखिए, एक मैडन आपने सुना होगा, मैडन ओवर, एक आपने मैडन स्पीच सुनी होगी और एक मैडन गर्ल सुनी होगी। तो ऐसी गर्ल जो आप कह सकते हैं नहीं है, मतलब उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है दुनिया का, तो मैडन गर्ल कहलाएगी। जैसे कोई लड़की अपन मुंबई जाए तो उसको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इस तरह की गर्ल को क्या बोलते हैं, मैडन गर्ल बोलेंगे। मैडन ओवर होता है जिसमें कोई भी रन नहीं जाता है, मैडन स्पीच होती है फर्स्ट स्पीच किसी की, तो उसे मैडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये हो गए, हाँ वल्नरेबल और देख लिए, वल्नरेबल होता है वो बहुत ज्यादा जो जिस पर अटैक बहुत इजीली से हो सकता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है तो उसकी बॉडी कैसी कहलाएगी, वल्नरेबल कहलाएगी। एक ऐसा कंट्री जो बहुत ज्यादा सुरक्षा के घेरे में नहीं है लेकिन वहां पर उत्पादन बहुत महंगी चीजों का हो रहा है, हीरा हो रहा है, तो वो वल्नरेबल कंट्री कहलाएगा। वहां पर आप चाहो आप देखोगे तो समुद्री लुटेरे भी पहुंच सकते हैं, अन्य देश आक्रमण भी कर सकता है। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको इजिली, दैट कैन बी इजिली अटैक्ड, क्या हो जाएगा, इजिली अटैक्ड, उसे बोलते हैं वल्नरेबल, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से हो, उसे वल्नरेबल बोलते हैं। मैडन मतलब मैडन स्पीच, मैडन ओवर, मैडन गर्ल, कह सकते हैं इसको सेंस में, कभी गर्ल के लिए यूज किया जाता है, कभी ओवर के लिए और कभी स्पीच के लिए, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस है। आप मैडन का मतलब समझिए जो पहले हुआ नहीं है, जिसमें कोई शोषण नहीं हुआ है, कोई उत्पादन नहीं हुआ है, ऐसी स्पीच को जो पहले कभी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए तो आई होप 25 कंप्लीट हो गए हैं और आपको देख के अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।